कोई मंत्री का बेटा फौज का नौकरी करता है जी? कोई प्रधानमंत्री का बेटा फौज का नौकरी करता है? हमारे आपके घर के गरीब के बच्चे जाकर के इस देश की सेवा करते हैं, -27 डिग्री और 30 डिग्री में बैठ करके इस देश की सेवा करते हैं। एक हम भी अपने भारतीय होने का वजूद बचाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचाएंगे। अगर वो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चलने के लिए तैयार है, अगर वो अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि यह सरकार तुम अंग्रेज बनोगे तो हम अशफाक और बिस्मिल की तरह फांसी के फंदे को चोरी करने तैयार है। हम उनको कहना चाहते हैं कि बहुत देखे हैं हमने, पढ़ा है इतिहास हमने इस देश का, हमने देखा है कि हमारी मिट्टी और हमारी संस्कृति की खुशबू क्या है। हम जानते हैं कि इस देश में जब जब धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है तब तक उसके पीछे बड़ी साजिश होती है। और बड़ी साजिश क्या है? बड़ी साजिश ये है कि एक तरफ किसान जिनके बच्चे फौज की नौकरी में जाते हैं, देखे हैं कोई अरबपति का बेटा फौज के नौकरी में जाता हो, कोई बिजनेसमैन बच्चा फौज का नौकरी करने के लिए जाता हो, कोई मंत्री का बेटा फौज का नौकरी करता है जी? कोई प्रधानमंत्री का बेटा फौज का नौकरी करता है? हमारे आपके घर के गरीब के बच्चे जाकर के इस देश की सेवा करते हैं, -27 डिग्री और 30 डिग्री में बैठ करके इस देश की सेवा करते हैं। एक तरफ उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं सीमाओं पर और पिताजी जान गंवा रहे हैं खेतों पर। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब ये धर्म का झगड़ा लड़ाया जा रहा है उस देश में, जो देश गांधी का देश है, बताइए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? गांधी क्या बोले हैं? गांधी बोले हैं रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, यही बोले हैं ना? उस देश में, गांधी के उस देश में, भगत सिंह के उस देश में, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस देश में, जिस देश में किसी भी इंसान के साथ उसके पहचान के आधार पर कोई भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, उस देश में धर्म का ये झगड़ा क्यों लगाया जा रहा है? धर्म का झगड़ा इसलिए लगाया जा रहा है।